इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने गूगल अकाउंट पर स्किप पासवर्ड फ्रेंड पॉसिबल वाला ये सिस्टम देखा होगा, तो बेसिकली ये क्या है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमें दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास दो ही फ़ोन है। यहाँ पर मैं इसको ट्राई करके आपको बताऊँगा कि कैसे इस फीचर को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ये गूगल अकाउंट में सिक्योरिटी में फ़ीचर मिल जाता है, फिर भी मैं एक दफ़े यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप किसी प्ले स्टोर पर जाएंगे या यूट्यूब पर जाएंगे, तो जब आप यहाँ पर गूगल अकाउंट को ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाते हैं और यहाँ पर हम टिक कर देते हैं अपना गूगल अकाउंट, ठीक है। गूगल अकाउंट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा और उसके बाद हमें सिक्योरिटी पर जाना है। सिक्योरिटी पर जाने के बाद यहाँ पर इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल आता है। ये फीचर कनेक्ट रहता है हमारा पास की से, अगर पास की एक्टिवेट नहीं है तो ये फीचर भी एक्टिवेट नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर हमें जाने के बाद अभी सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, तो ये ऑन हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए, पास की एक्टिवेट हो गई हमारी, इस पास की को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा इसके साथ साथ, और ये पास की भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दी जाती है, या हमें क्लिक करके बस करनी है। अब इसको हम प्रॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या दिखाता है ये, अब ये बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जीमेल क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं और अब क्या करते हैं कि हम इस वाले फ़ोन में, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपना अकाउंट को ऐड करेंगे इस वाले अकाउंट को। जब हम इसको ऐड करेंगे, गूगल अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, सब कुछ आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा। देखिए, इस वाले फ़ोन में हमेशा ही आपका पासवर्ड यूज़ होगा जब हम इसको लॉगिन करेंगे, फ़ोन का पासवर्ड यूज़ होगा। अब पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें, चाहे तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रॉपरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं, @gmail डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब इसे नेक्स्ट करते हैं, दोबारा गलत हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर हमें ट्राई अनदर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पास की यूज़ पास की। अब हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, पास की से एंटर ले सकते हैं, जो इस फ़ोन का पासवर्ड होगा वही यहाँ पर लगेगा। लाइट भी आ गई है, तो यहाँ पर जब हम यूज़ पास की पर टिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर पासवर्ड होगा, इसी फ़ोन के अंदर ये पास की है, इसके अंदर नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगी। हमें फिंगरप्रिंट पर हाथ रखना पड़ेगा और ये लॉगिन हो जाएगा अगर हम इसमें करते हैं। तो ये रहता है पासवर्ड को ऑन करने का ऑप्शन। बेसिकली आपको पूरा पता चल गया होगा, पूरा पता चल गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।